नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष, और स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन फार्मर में। किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी, आज हम आए इस फसल देख सकते हैं यहां पे, ये जो फसल है आप देख के सोच रहे होंगे किस टाइप की ये फसल है। तो ये फसल जो है जुकुनी है, ये फसल एग्जॉटिक वेजिटेबल में आती है। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी डिटेल लेंगे, हमारे साथ उमेश सर हैं। तो सर बताइए इसके बारे में। जनरली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पूरा इंडियन वेजिटेबल में ज़्यादा कुछ ऐसा रेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं बहुत सारे। हाँ, तो इसके लिए इसके अल्टरनेटिव कुछ तो एग्जॉटिक फार्मिंग में हम लोग पहले से करना चाहते थे। तो हम लोग ये जुकिनी का हम लोगों ने शुरुआत की है। ये जुकिनी क्रॉप के लिए ऐसा कुछ खास टेम्परेचर या कोई ऐसा ज़्यादा ये नहीं लगता है। इसका जमीन भी इसका जनरली नॉर्मल पीएच 5 से 7 तक लगता है। जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जनरली अच्छा होना चाहिए, मतलब वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसमें मतलब पानी की कैसी जरूरत पड़ती है, कैसे मतलब नॉर्मल चलता है या एसिडिक या कैसे? ये पानी नॉर्मल ही चलता है इसके लिए। हाँ। और ज़्यादातर ये हम लोग थ्रू आउट ईयर कभी भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई मंथ नहीं, मतलब इस जुकुनी का कभी भी प्रोडक्शन ले सकते, कोई भी टेम्परेचर में। मगर इसमें जितना कम टेम्परेचर हो हाँ। उसमें अच्छा क्वालिटी इसका होता है, मतलब कम जितना ठंडी में अच्छा क्वालिटी, ठंडी में अच्छा क्वालिटी इसका निकलता है। अच्छा, ये बात। तो इसका बेड किस हिसाब से इसको मारना पड़ता है, मल्चिंग बिछाना पड़ता है क्या इसमें? हाँ हाँ, इसमें मोस्टली मल्चिंग का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो फ्रूट का क्वालिटी है वो मल्चिंग के और अपना वाटर का सेविंग होता है ज़्यादातर। उसका बाद में तो जो उसमें तन रहता है, हाँ, मतलब खरपतवार नियंत्रण हाँ, इससे कर तो सकते उसे हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बेड का दो बेड के बीच में अंतर है 5 या 5.5 फीट का रहता है। बाद 5-5.5 फीट का दो अंतर है। बेड में अंतर रहता है। बाद में प्लांटेशन का इसका 3 फीट, दो प्लांट के बीच में इसका डिस्टेंस 3 फीट रहता है। 3 फीट रहता है, ढाई से तीन फीट रहता है। अच्छा, जब इसका हम लोग खेत तैयार करते हैं तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, मतलब पहले रोटर चलाना पड़ता है, उसके बाद बेसल डोज डालना पड़ता है, क्या क्या? जनरली जो चीज़ें हम लोग करते हैं प्लॉइंग वगैरह सब, वो उसके बाद हम लोग उसमें काउ डंपिंग वगैरह हाँ, वो डालते, मतलब गोबर का कंपोस्ट कंपोस्ट ये करते, मिक्स करते। हाँ। और ये शॉर्ट टर्म क्रॉप होने के कारण से इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जनरली कम खर्चे में खर्चे में फसल आ सकती है। तो मैंने देखा हमेशा आप करते हैं, मतलब जुकुनी करते हैं, आइसबर्ग करते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस इसमें। हाँ, हाँ। तो इसमें जुकुनी में जो है वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए? जनरली इसमें देखे, अगर इसमें दो टाइप का जुकुनी आता है, एक ग्रीन में आता है एक, और एक मतलब इसमें हरा भी आता है। हरा भी आता है, तो हरा में हम लोग अगर जनरल देखे तो नामदेव उमा जी का स्क्वैश वैरायटी आता है। हाँ। स्क्वैश भी है और वो नामदेव उमा जी कंपनी का, और दूसरा एक वैरायटी है, तो वो दो येलो में एक स्क्वैश वैरायटी आता है। स्क्वैश आता है। तो जब ये वैरायटी हम लोग चूज़ किए, कोई भी वैरायटी चूज़ की है, उसको हमको लगाना है, मान लीजिए हम सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं आगे। हाँ। मतलब इसका रेट जो है हाँ। कभी भी मतलब ऊपर नीचे होता है, वो कोई भरोसा नहीं, साल भर इसका लगाना पड़ता है। तो इसको जब लगाते हैं तो कैसे लगाना पड़ता है, इसको पौधा बनाना पड़ता है या बीज लगाना पड़ता है? इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, हम लोग इसका प्लांट बना के हाँ। बना भी सकते हैं, या डायरेक्टली हम बीज बो के फिर वो ये कर सकते, बीज भी डायरेक्ट बो सकते हैं। तो बीज बोने के बाद ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं कि कीड़े खा सकते हैं या कोई दिक्कत है? हाँ, उसके बाद आ सकती है, मगर वो टाइम पे हम लोग बाद में उसमें लार्वा या क्या पक्षी वगैरह आके खा सकते हैं, मगर हाँ। हम लोग उस टाइम पे फॉरेड वगैरह यूज करके वो डिस्ट्रॉय कर सकते। अच्छा, मतलब केमिकल डाल के उसका मेंटेन कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब ये जुकुनी हम लोग दो दो फीट पे, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे लगी हुई है, प्लॉट पूरा आपका देख रहे हैं हम, तो इसका जब लगाने के बाद, बीज उगने के बाद, इसको क्या क्या मतलब एप्लीकेशन देना पड़ता है, वाटर सोल्यूबल में या तो स्प्रेइंग में? जनरली इसका शुरुआत में हम लोग जब बीज बोते हैं तो उसके 4 या 5 दिन के बाद इसके दो दो पत्ते दिखने चालू हो जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद हम लोग ह्यूमिक एसिड या 1919 ये यूज़ करते हैं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद सीवीड या कोई टॉनिक है ऐसा। हाँ। या मतलब 12-61-00 ये फर्टिलाइजर एनपीके वाटर सोल्यूबल हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। हाँ। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी यूज़ करते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक यूज़ करना पड़ता है कि मतलब कुछ स्टेज है तब तक? नहीं, शुरुआत ही इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बाद में अलग अलग जैसे आगे आगे जाता है क्रॉप तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग एनपीके का ग्रेड यूज़ करते हैं। इस फसल में क्रॉप कब से लगना चालू हो जाता है ये भी हमें बताइए। जनरली इसका प्रोडक्शन
कम से कम 35 दिन से 40 दिन तक, जनरल 40 दिन से चालू हो जाता है, उसके बाद एक 1.5 महीना इसका प्रोडक्शन निकलता है अच्छे से, 1.5 महीने तक अच्छे से, अच्छे से नहीं मतलब 70-80 दिन ये फसल चलती है, अच्छी अच्छी चलती है। तो इसमें ये बताइए, इसमें कीट नियंत्रण क्या करना पड़ता है, उसके बाद फंजीसाइड कुछ यूज़ करना पड़ता है इसमें, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें मेजरली प्रॉब्लम ये सकिंग पेस्ट में अगर हम लोग देखें, हाँ। तो इसका थ्रिप्स का देख सकेंगे, जेसिड्स का है, हाँ। और उसके बाद इसमें वायरस का एक मेजर इश्यू है, मगर हम लोग पहले से अगर हम लोग ध्यान देख सकते मतलब यहाँ दिखा सकते हैं वायरस का पेड़ कैसे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक पेड़ है जो वायरस का इशू हो चुका है, यही पेड़ है, मतलब ये दिक्कतें आती है, मतलब हाँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, जैसे थ्रिप्स के लिए हम लोग जैसे केमिकल में आता है डायमेटर या इमिडाक्लोप्रिड आता है, हाँ। या नियोनिकोटिन ग्रुप में अलग अलग जो जो है, हाँ, मतलब पेस्टिसाइड वो यूज कर सकते, उसका हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, वायरस का कोई इशू नहीं इतना। और इसमें फंगीसाइड में देखा जाए तो, फंगीसाइड में देखा जाए तो हम लोग मैंगोजो भी यूज कर सकते हैं, और इसका फंगीसाइड में मेजरी पाउडर मिल्ड्यू का इसको ज्यादा प्रॉब्लम आता है, अच्छा, पत्ती के नीचे पत्ती के जो पाउडर सफेद सफेद आता है वही आता तो है। वो हम लोग हेक्साकोनाजॉल वगैरह यूज करके वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, 70-80 दिन की फसल है ये, उसके बाद अपना प्रोडक्शन जब इसका चालू हो जाता है तो इसका प्रोडक्शन मतलब कितना लगभग निकलता है 1 एकड़ में? जनरली 1 एकड़ में हम लोग देखते हैं तो 25-30 टन तक निकलता है इसका, 25-30 टन। अच्छा, हम लोग ये चीज रह गई हमारी, तो 1 एकड़ में इसका पौधा कितना लगता है ये भी हमें बताइए। 3,000 पौधे लगते हैं, मतलब 3,000 पौधा लगता है, 25-30 टन इसका माल निकलता है 70-80 दिन में, हाँ हाँ। और इसके मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, इसका मार्केटिंग कहाँ करें, क्योंकि ये जो अनजान चीज है हमारे लिए भी, मैं भी इसको नहीं करता हूँ, हमारे दर्शक भी हो सकता है किसी को पता हो ना हो, तो ये चीज थोड़ा सा बताइए कि इसका मार्केटिंग कहाँ पे करें एग्जैक्ट, मतलब इसको कहाँ पे इसका सेलिंग हो सकता है। ये पीली है, हरी वाली भी होती है इसमें, और शायद मैंने बैंगनी भी देखी है शायद। इसमें हम लोग ज़्यादातर हम लोग ये हमारे नियर बाय मुंबई मार्केट है तो हम लोग वहाँ पे बेचते हैं, हाँ। वहाँ पे उसके बाद ये चीज़ को जितना अच्छा मार्केट लिंकेज अगर आपको मिल जाता है तो उसका बहुत आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये जो एग्जॉटिक में वेजिटेबल प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं फार्मर है, हाँ। ये अभी इंडिया में कम है, मगर इसका इसका डिमांड भी ज़्यादा है, तो इसका प्रॉपर अगर आपको मार्केट लिंकेज मिल जाएगा, अभी इसको डिमांड जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बड़ी बड़ी है, हाँ। मुंबई है, गोवा है, हाँ। हैदराबाद है, बेंगलोर है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े होटल्स है तो यहाँ पे यूज हो सकता है, यूज होता मतलब है, इसका ज्यादा यूज होता है, ज्यादा मतलब 3-star, 5-star होटल, हाँ, में 5-star होटल में इसका ज्यादा यूज होता है। और इसमें मतलब कुछ क्वालिटीज भी है, विटामिन वगैरह, हाँ, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, हम लोग इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सारे उसमें यूजफुल, मतलब ये सलाद वगैरह में ज्यादातर इसका यूज होता है, मतलब इसका जो है, किसान भाइयों आप मेट्रो सिटी में वगैरह अच्छा इसका मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इसका एवरेज रेट लगभग क्या रहता है, कहाँ से लेके कहाँ तक इसका मार्केट रेट रहता है? हम लोग जनरली अगर देख सकते हैं तो इसका कम से कम 10 रुपये भी नीचे जा सकता है, और आगे में 250 रुपये में भी किलो का रेट, मतलब 10 रुपये से लेके 250 रुपये तक, आपको लगभग क्या रेट मिला है इसका? हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनरली 90 रुपये तक रेट मिला है। अच्छा, 90 रुपये तक, 90 रुपये तक मिला है रेट। अभी सुना मैंने 30-40 रुपये चल रहा है इसका, हाँ, 30-35-40 तक चल रहा है इसका मार्केट अभी। तो मैं सर हमें ये बताइए, ये जो प्लॉट है पूरा, इस प्लॉट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने दिन का हुआ है, इसमें येलो कौन सी है और ग्रीन कौन कहाँ पे है? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी 40 दिन का प्लॉट है। अच्छा, ये 40 दिन का प्लॉट है, इसका अभी 2 कटिंग हो चुका है। जनरली हम लोग अगर मार्केट का आइडियल साइज अगर देख सकते हैं इसका, हाँ। तो 350 to 350 ग्राम तक हम लोग इसका आइडियल साइज रहता है मार्केट के, साइज़ ये साइज एकदम आइडियल साइज है मार्केट के लिए। और अगर दूसरा एक देखें तो इसमें, हाँ। एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैल्शियम बोरोन का डेफिशिएंसी रहता है, हाँ। तो फार्मर लोगों को मेरा एक सजेशन है कि ये चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनको। अगर ये साइड से हम लोग अगर देख सकते हैं तो ये पूरा येलो प्लॉट है, और उसके आगे वाला प्लॉट है वो ग्रीन का प्लॉट है, वो साइड वाला ग्रीन का प्लॉट है। अच्छा, हमें ये भी बताइए, मतलब इसका हार्वेस्टिंग कैसे करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है या 2-4 दिन पे करना पड़ता है? ऐसा जनरली कोई हम लोग डे इंटरवल कुछ नहीं रखते, अगर प्लॉट हम लोग प्लॉट में देखेंगे फ्रूट का साइज 300 ग्राम के आगे होता है तो वो कटिंग करना ही चाहिए, वो मतलब 2-3 साइज, हाँ, ये साइज में, और कटिंग के लिए 2-3 दिन में उसका कटिंग हो ही जाता अगर है। अगर फ्रूट बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत मार्केट में आ गया, मार्केट में उसका रेट कम मिलता है आपको, मतलब इस हिसाब से अगर रहेगा ये बड़ा, हाँ, ये देख बड़ा सकते हैं, हाँ, ये वाला इस हिसाब से होगा तो दिक्कतें हो सकती है, ज्यादा भी बड़ा हो जाता है अगर 400-500 ग्राम का, हाँ। तो उसका मार्केट रेट कम हो जाता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं रहती है इसके लिए।
अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर हमारे किसान भाई एक दर्शक है अगर इसको लगाना चाहते हैं तो इसको कैसे लगाए, किस टाइम पे लगाए, आपका मतलब अनुभव क्या कहता है कि आप हमेशा इसको करते हैं? मेरा एक अच्छा सा सजेशन मेरे फार्मर भाइयों के लिए ये है कि हम लोग अगर कम जगह में अगर अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये एग्जॉटिक में हम लोग इसमें हम लोग उतरना चाहिए भाइयों को। हाँ, ये जरूरी चीज़ जरूरी चीज़ है। जमाने के अनुसार बदलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास अच्छा मार्केट लिंकेज है, मार्केट है, मार्केट की जानकारी है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। हम लोग कम समय में हम लोग इसका अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसको लगाते समय कम एरिया में 2-3 प्लॉट इसका करें। हाँ, मेरा ये खास सजेशन है कि आप लोग शुरुआत में कम जगह में इसका प्लांटेशन करके देखें, थोड़ा ट्रायल प्लॉट में अगर आपको इसका कैसा लगता है उसके बाद आप बड़े प्लॉट में आप लोग कर सकते हैं कल्टीवेशन। तो किसान भाइयों, आज जो है जुकनी के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है उमेश सर जी से। थैंक यू सर आपका हमारे फार्मर के लिए पूरी जानकारी देने के लिए। तो इसके अलावा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, ये जुकनी जो है अगर आप मार्केट इसका अच्छा खासा मेट्रो सिटी में अगर पकड़ सकते हैं, आपके लोकल एरिया में पकड़, इससे जो है आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब इंग्लिश ये सब्जी जो है एग्जॉटिक वेजिटेबल में अच्छा इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी मार्केट में डिमांड भी आ रही है, रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट बताइए। इस जुकनी के बारे में भी कुछ आपको बात हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।